आज नमक का फिर से उपाय लेके आई हूँ नमक के बारे में। दिस इज़ नमक पार्ट टू। अभी मैं इसको पार्ट थ्री में भी कन्वर्ट करूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो लोगों तक नमक के बारे में पहुँचने चाहिए। सो मैं मीता जानी आज नमक का पार्ट टू लेके आई हूँ। जिन लोगों को नज़र लगती है या जिन लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके ऊपर टोना टोटका हुआ है, उनके लिए ये उपाय बहुत ही ख़ास हैं। जिनको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। सो मेरा उपाय नमक के बारे में मैं कहूँगी, जिनको भी बहुत ही टोना टोटका होता है या बहुत सारे बार ऐसा लगता है कि किसी ने जादू टोना कर दिया है या किसी ने नज़र लगा दी है, तो आप देखिए एक कांच की बोतल लीजिए, इतनी बोतल होगी चलेगा। उसमें आप सादा नमक जो हम खाते हैं वो और सेंधा नमक, ये दोनों को मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप उसे बाथरूम में ले जाइए। बाथरूम में एक शेल्फ पे आप रख दीजिए उसे, ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पानी टच ना करे। ये आपको हर अमावस्या और हर पूर्णिमा के दिन, वो ख़त्म हो जाए डे उसके बाद आपको चेंज करना है। मीन्स आज अमावस्या है तो आज का पूरा दिन वहाँ वो बॉटल रहने देनी है। वैसे वो लगातार 15 दिन रहने देनी है, पर उसको चेंज आपने कल सुबह करना है। सो हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वो नमक आपको चेंज कर देना है। वो जो बोतल का अंदर नमक है वो आपको फ्लश आउट करना है, बाथरूम टॉयलेट में फ्लश आउट कर दीजिए और दूसरी बोतल भर के रख दीजिए। जितनी भी छोटी बोतल आप लेंगे चलेगा। सेकंड थिंग ये है कि जिनको भी ज़्यादा टोना टोटका होता है वो क्या कीजिए, सेंधा नमक के टुकड़े लीजिए, सेंधा नमक के टुकड़े लीजिए। उसमें आप 5 लाल मिर्च डंडे वाले लीजिए और थोड़ी सी पीली सरसों लीजिए। ये तीनों आप लीजिए और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाने के बाद उसे आप कंडे होते हैं गोबर के कंडे, उसके ऊपर जला दीजिए। अगर आप गैस पे भी डायरेक्ट जला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए विद इन सम आवर्स आपको बहुत हल्का महसूस होने लगेगा। जिनको लगता है कि हमारे कामों में बहुत रुकावट आ रही है या हमारे काम होते होते बच रहे हैं या हम कुछ भी करो तो हमें कोई सूझ नहीं पड़ रही है, वो लोग ये उपाय कर सकते हैं। अपने ऊपर से 7 बार वार के कंडे में डाल दीजिए। तीसरा उपाय नमक का ये है कि जिन लोगों को घर में बरकत नहीं आ रही है और जिन लोगों को लगता है कि ये बहुत नेगेटिविटी है, वो लोग हम अपने जिन लोगों के रिश्ते भी बहुत ख़राब हो रहे हैं, वो लोग सेंधा नमक एक कटोरे में लीजिए या एक पोटली बना दीजिए, वाइट कपड़े में पोटली बनाइए और उसे अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख दीजिए। साउथ वेस्ट कॉर्नर में ऐसी जगह पर रखिए कि किसी को नज़र ना आए। सो आपके रिलेशंस और आपके सब, आपकी जो माइंड की नेगेटिविटी है, आपके रिलेशंस सबके साथ ख़राब हो रहे हैं, वो सब सही होने लग जाएगा। सो जिनको भी ये मेरा वीडियो पसंद आया है और जो ये उपाय कर रहे हैं, जो मेरे पहले वाले उपाय भी कर चुके हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना अभिप्राय लिखिए, कमेंट करिए और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। जिनको भी मेरा पर्सनली कांटेक्ट करना है वो मेरा कांटेक्ट कर सकता है 7990623313 पे। मैं पर्सनली भी सबको ये नंबर पर अवेलेबल हूँ। जिन्हें कोई भी इश्यूज है दे कैन कांटेक्ट मी डायरेक्टली 7990623313 पे। नमस्कार।